जिला ऊना में सुपर 50 कार्यक्रम के संचालन के लिए जिला ऊना को प्रतिष्ठित स्क्रॉच अवार्ड ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। संस्था द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए ऊना सुपर 50 की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि टीम के सतत प्रयासों के चलते जिला प्रशासन की इस पहल को राष्ट्र स्तर का अवार्ड मिला है। ऊना सुपर 50 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को JEE व नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 वर्ष की फ्री कोचिंग दी जाती है, जिसके लिए धनराशि जिला परिषद ऊना तथा माता श्री चिंतपूर्णी ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रथम बैच में अब तक 5 विद्यार्थियों को NIT कॉलेज में प्रवेश मिला है। अभी कुछ और बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि ऊना सुपर 50 कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कई बार सुविधाओं के अभाव में अनेक छात्र प्रतियोगिता के दौर में पिछड़ जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए ऊना सुपर 50 कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऊना सुपर 50 के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा व कोचिंग प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के दौर में पिछड़ न पाएं। आज जिला ऊना के इनिशिएटिव ऊना सुपर 50 को नेशनल लेवल पे स्कॉच संस्था द्वारा सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इसके लिए हमारी पूरी जो टीम ऊना सुपर 50 कार्यक्रम के पीछे लगी है, प्रिंसिपल डायट ऊना, हमारे टीचर्स और बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को जो है बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के कारण जिला को राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिला है। साथ ही हमारे जिला परिषद के द्वारा भी इस कार्यक्रम के लिए कंट्रीब्यूशन किया गया और माता चिंतपूर्णी ट्रस्ट के द्वारा भी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इन दोनों संस्थाओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके योगदान से आज जिला को ऊना सुपर 50 प्रोग्राम के लिए सिल्वर अवार्ड स्कॉच संस्था द्वारा दिया गया है। सभी जिला वासियों को भी मैं इस अचीवमेंट की बधाई देता हूँ।